नमस्कार साथियों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल 15 जून से रोजाना बेचेगा 40 करोड़ की बिजली, 3600 करोड़ की आय होने का अनुमान। ऊर्जा सरप्लस राज्य हिमाचल प्रदेश 15 जून से रोजाना 40 करोड़ रुपए की बिजली बाहरी राज्यों को बेचेगा। खुली बोली के हिसाब से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बाहरी राज्य रोजाना 4 करोड़ यूनिट बिजली की खरीद कर सकेंगे। 15 सितंबर तक बिजली बेची जाएगी। 3 माह में बिजली बेचकर करीब 3600 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। वहीं 65,000 करोड़ रुपए के कर्ज में दबी प्रदेश सरकार को बिजली बोर्ड आने वाले दिनों में थोड़ी राहत देगा। पहले चरण में 125 बिस्तरों की मिलेगी सुविधा, जून अंत में पीएम मोदी खुद करेंगे शुभारंभ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कोटीपुरा में पहले चरण में 125 बिस्तरों की सुविधा मिलेगी। जून के अंत में आईपीडी का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। अभी जर्मनी, चीन, नीदरलैंड और सिंगापुर से स्वास्थ्य उपकरण भेज दिए गए हैं। जल्द ही बिलासपुर एम्स में पहुंच जाएंगे। अभी एम्स में 66 चिकित्सक और 90 नर्सिंग स्टाफ सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे चरण में 34 चिकित्सकों और 137 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उपचार के लिए जल्द बाजार में आएगी टैबलेट, परीक्षण के लिए हिमाचल के सीडीएल पहुंचे बैच। देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी सीडीएल कसौली में पहली कोरोना टैबलेट कम वैक्सीन के सैंपल बैच जांच के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका में बनी इस टैबलेट को बेंगलुरु की सीनिजन कंपनी ने आयात किया है। वहीं परीक्षण में खरा उतरने पर जल्द ये बाजार में कोरोना के उपचार के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि वैक्सीन के यह क्लिनिकल ट्रायल बैच है। सीडीएल के विशेषज्ञों की टीम टैबलेट की प्रमाणिकता जांच करने के लिए जुट गई है। आगामी 2 माह के भीतर इसके रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर ये पैमाने पर खरी उतरती है तो यह देश की पहली टैबलेट कम वैक्सीन होगी। उधर बताया जा रहा है कि अमेरिका में भी इसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। हिमाचल के 53 एनजीओ को नहीं आएगा विदेशों से फंड। हिमाचल प्रदेश में 53 स्वयंसेवी संस्थाओं एनजीओ के वैधता प्रमाण पत्र की समय सीमा खत्म हो गई है। अब इन एनजीओ के लिए विदेशों से फंड नहीं आएगा। किसी ने नवीनीकरण नहीं किया तो किसी ने प्रमाण पत्र लेने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर इनके नाम साझा किए हैं। ये संस्थाएं पहले विदेशी फंड विनिमय अधिनियम FCRA के तहत विदेशी सहायता के लिए पंजीकृत रही हैं। इनमें कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, सिरमौर आदि जिलों की संस्थाएं शामिल हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के 4 विद्यार्थियों को 9 लाख का पैकेज। हिमाचल प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग संस्थान JNGEC सुंदरनगर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव करवाया गया। इसमें संस्थान के BTech टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के 4 विद्यार्थियों को ट्राइडेंट ग्रुप में 9 लाख प्रति वर्ष CTC के साथ स्थान मिला है। चयनित विद्यार्थियों में अतुल, शुभम, सलोनी और दीक्षा धीमान शामिल हैं। ट्राइडेंट ग्रुप भारत में तौलिए का अग्रणी निर्माता है। ट्राइडेंट समूह के 4 विशेषज्ञों के पैनल ने JNGEC का दौरा कर प्लेसमेंट ड्राइव का संचालन किया। टाहलीवाल में पीर निगाह जा रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 2 की मौत, 5 घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक सड़क हादसा हुआ है। पंजाब के होशियारपुर से पीर निगाह जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली टाहलीवाल में पलट गई है। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। वहीं हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि उतराई में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के पलटने से हादसा हुआ है। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। स्मार्ट टीचर ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल का पहला स्मार्ट शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सोलन में बनेगा। ऐतिहासिक धरोहर JVT प्रशिक्षण केंद्र सोलन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया है। वहीं वर्ष 1952 में बने इस भवन की पहली बार मरम्मत होगी। इसके जीर्णोद्धार पर 60 लाख रुपए खर्च होंगे। यह प्रदेश का पहला स्मार्ट और हेरिटेज शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र बनेगा।
इसमें सिनेमा हॉल की तर्ज पर प्रशिक्षण हाल का निर्माण किया जाएगा। साल 1990 तक इस भवन में जेवटी शिक्षक भर्ती किए जाते थे। ऐतिहासिक भवन की छत जर्जर होने के बाद डाइट को नए भवन में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद यह भवन खाली था। अब पर्यटकों से जोड़ने के साथ इसके पुराने स्वरूप में ही इसे तैयार किया जा रहा है। बूस्टर डोज लगाने में जनजातीय जिले अव्वल, शिमला फिसड्डी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले बूस्टर डोज लगाने में अव्वल है। जिला शिमला इसमें फिसड्डी रहा है। जनजातीय जिलों में लाभार्थी बूस्टर डोज लगवाकर खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिलों में लाभार्थी बूस्टर डोज लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना का डर खत्म होने के बाद लोग टीकाकरण को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में छोटे बच्चों के टीकाकरण के साथ बूस्टर डोज लगाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन केंद्रों में काफ़ी कम संख्या में लाभार्थी पहुँच रहे हैं। निपुण लर्निंग ऐप एक मिनट में कितने शब्द पढ़ रहे विद्यार्थी, ऐप से चलेगा पता। हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में अब निपुण ऐप से विद्यार्थियों के मौखिक कौशल की देखरेख होगी। इस ऐप के जरिए यह पता चल पाएगा कि एक मिनट में विद्यार्थी कितने शब्द पढ़ पा रहे हैं। अगर विद्यार्थी कम शब्द पढ़ रहे हैं तो शिक्षक और ज़्यादा मेहनत विद्यार्थियों के मौखिक कौशल के लिए करेंगे। अगले दो हफ्ते में यह ऐप तैयार हो जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने गणित और हिंदी विषय में विद्यार्थियों की पकड़ मजबूत करने के लिए निपुण भारत अभियान चलाया है। इसमें प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आईटीआई नूरपुर और रोजगार कार्यालय ऊना में इस दिन होंगे कैंपस इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश के आईटीआई नूरपुर और जिला रोजगार कार्यालय ऊना में निजी कंपनियां कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करेंगी। राजकीय आईटीआई नूरपुर में 27 मई को गुजरात की कंपनी सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं का चयन नौकरी के लिए करेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यह कंपनी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से 28 से 23 वर्ष की आयु के फीटर, डीजल मैकेनिक, इसके अलावा मोटर मैकेनिक, व्हीकल टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर जनरल जैसे व्यवसायों के चयन करेगी। उन्होंने बताया कि इस कैंपस साक्षात्कार में 10वीं और 12वीं कक्षा के पास आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर युवा भाग ले सकते हैं। कैंपस साक्षात्कार वाले दिन लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। CTC के रूप में 20,100 रुपये, इसके अलावा 13,924 इन हैंड सब्सिडी पर खाना वर्दी कंपनी की ओर से दी जाएगी। आशा वर्कर्स को 4 माह से नहीं मिला वेतन, बोली मोदी, जयराम जी तारीफों से नहीं भरता पेट। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करने वाली आशा वर्कर्स को पिछले 4 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में आशा वर्कर्स को अपने परिवारों को पालन पोषण करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, महीने के निर्धारित मानदेय के अलावा अन्य इंसेंटिव भी इस मई पर जारी नहीं हो रहे। इसके चलते आशा वर्कर्स में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। वहीं 4 महीनों से वेतन का इंतजार कर रही आशा वर्करों ने कहा कि जल्द उनका मानदेय जारी नहीं हुआ तो वह सभी कार्यों को बंद कर देंगी। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।